हाय एवरीवन, वालेकुम। आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मसाला ऑमलेट विद गार्लिक टोस्ट। सॉफ्ट एंड फ्लफी मसाला ऑमलेट ओवर एन एक्स्ट्रा क्रिस्पी गार्लिक टोस्ट। आइए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद 2 एग्स। इनको हम क्रैक करके बोल में डाल लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। मैं जनरली 1 पिंच एक अंडे के लिए यूज़ करती हूँ। सो आई एम यूजिंग 2 एग्स, सो 2 पिंच। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर। एक फोक या विस्क के साथ हमें इसे अच्छे से बीट करना है। अगर हम एग्स अच्छे से विस्क या फेंटेंगे नहीं तो उसमें वो एकदम फ्लैट बनेगा, एंड विच वी डोंट वांट, राइट? हु वांट्स टू ईट अ फ्लैट ऑमलेट? वी वांट टू ईट अ फ्लफी एंड नाइस थिक ऑमलेट, डोंट वी? ओके, नाउ दैट वी आर डन विद आवर विस्किंग, इसको हम साइड में रखते हैं एंड वील गेट टू आवर चॉपिंग। 1 to 1.5 tablespoon of finely chopped onions। मैंने 2 अंडे लिए तो 1 से 1.5 टेबलस्पून सही रहता है। यहाँ पे मेरे पास बड़ा प्याज है तो मैं उसको क्वार्टर यूज़ करूँगी, विच इज़ एज गुड एज 1.5 tablespoon और 1 tablespoon ऑफ अनियन। एक छोटा टमाटर, इसको भी मैं फाइनली चॉप करूंगी। यहाँ मेरे पास है हैंडफुल ऑफ धनिया। इसको भी मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके रखा हुआ है। इसको भी मैं फाइनली चॉप करूँगी। अगर आप चाहते हैं इसके स्टॉक्स हटाना तो आप वो भी हटा सकते हैं, पर मैं रखूँगी, मुझे अच्छा लगता है। दो हरी मिर्च, 1 अंडा, 1 हरी मिर्च। मुझे अच्छा लगता है स्पाइसी। चॉपिंग हो गई है और अब हम इस सब को बोल में ऐड करेंगे और इसको एक दोबारा एक अच्छे से विस्क देंगे। ऑलराइट, अभी हम एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ का पैन लेंगे, उसे हम स्लो फ्लेम में हीट करेंगे। थोड़ा ऑयल, 2 टीस्पून। जब ऑयल थोड़ा वार्म हो जाएगा उसमें मैं 1/2 टीस्पून बटर ऐड करूँगी। बटर ऑयल के बाद इसलिए डाला है ताकि बटर जले ना। एंड अनदर रीज़न व्हाई वी ऐड बटर इज़ बिकॉज बटर एग्स को सॉफ्ट बनाता है। जब बटर हल्का सा बबल होने लग जाए, it's time to add the egg mixture. पूरे कुकिंग के प्रोसेस के टाइम हमें गैस को स्लो फ्लेम में ही रखना है, नहीं तो जब हम एग का मिक्सचर डालेंगे तो एग बहुत जल्दी पैन में पकड़ लेता है और नीचे से हार्ड हो जाएगा और ऊपर वाटरी रहेगा। उसे इवनली कुक करने के लिए हम उसे स्लो फ्लेम में ढककर पकाएंगे। अब जब तक हमारा ऑमलेट बन रहा है हम अपना टोस्ट रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सावरडो लिया है, आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। एक ग्रिल पैन लेंगे, उसे हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैं ब्रेड के दोनों साइड ब्रश कर लूँगी और उसे मैं फिर 2 मिनट ईच साइड ग्रिल करूँगी। एज यू कैन सी ऑमलेट अभी पक चुका है। इट्स टाइम टू फ्लिप इट। ऑमलेट फ्लिप करने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम 1 मिनट पैन में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। एंड नाउ फॉर द फन पार्ट, प्लेटिंग। एक गार्लिक क्लोव से हम टोस्ट को इस तरह से रब करेंगे, उससे टोस्ट में गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इट सिंपली टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। फाइनल टचेस, 1 pinch chaat masala powder, 1 pinch jeera powder, and 1 pinch lal mirch powder. That's it. I'm sure आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। Let me know in the comments and please guys like, share and subscribe to my channel. Till then, take care and have a good day. Bye bye.